ओके तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का नेक्स्ट लेवल वीडियो एडिट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार का नेक्स्ट लेवल वीडियो एडिट करने के लिए हम एक एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं जिसका नाम लाइट मोशन है। लाइट मोशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। एंड हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको इस तरह का स्टेटस बनाना है, तो आपको क्या करना है, आप लोगों को दो मटेरियल को डाउनलोड करना होगा। तो मटेरियल आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको जो लाइट मोशन है इसको ओपन कर लीजिएगा। तो ओपन करने के बाद यहाँ से आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपको हिंदी सॉन्ग बीट मार्क एंड सेक इफेक्ट इन दोनों प्रीसेट का लिंक आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसान से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मटेरियल। डाउनलोड करने के बाद आपका जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन करेंगे दोस्तों त्यास आपको कुछ बिट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बिट पे आपको क्या करना है, फोटो अटैच करना है एंड अपना फोटो एंड अपने फ्रेंड का भी फोटो अटैच कर सकते हैं। जब जिसका भी फोटो अटैच करना है तो आपको फोटो अटैच करने के लिए आपको प्लस लेकिन पे क्लिक कर देना होगा एंड आपको मीडिया पे क्लिक करना है एंड आप जहाँ भी रखे रहेंगे फोटोज का आपको फोल्डर सेलेक्ट करके कोई भी आपको एक इमेज को सिलेक्ट करना है एंड आपको थ्री डॉट पे जाना है, फिर कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करके थ्री पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना है, फिर से प्लस लेकिन पे जाके मीडिया पे जाके दूसरा इमेज को सिलेक्ट करके थ्री डॉट पे जाके फिर कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करके थ्री पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना होगा। कट करने के बाद इसे आपको सारे बिट के हिसाब से फोटो को अटैच कर लेना होगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे सेकंड बिट को यूज करना है। तो मैं फोटो को अटैच कर लेता हूँ दोस्तों, लेट्स गो। ओके तो आप देख सकते हो मैं सारे बिट के हिसाब से यहाँ पे फोटो को अटैच कर चुका हूँ। अटैच करने के बाद आपको बैक कर लेना होगा। बैक करने के बाद आपको जो सेकंड इफेक्ट प्रीसेट है इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको जो पहला वाला इफेक्ट दिख रहा है इस फोटो पे क्लिक कर देना होगा एंड आपको इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे जाके इसको कॉपी इफेक्ट करना एंड आपको बैक आके अपना जो सॉन्ग बिट मार्क है इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे जाके पेस्ट करना, ठीक है। एंड आपको एक फोटो छोड़ के यहाँ पे एक सेकेंड 18 पे आने के बाद पेस्ट करना इफेक्ट को, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से आगे आ जाना होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। फोटो पे क्लिक कर देना होगा, इफेक्ट पे जाके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से लास्ट में आ जाना होगा। तो हम लास्ट में आने के बाद 30 सेकंड 7 सेकंड बाद यहाँ पे भी फोटो पे पेस्ट करने के बाद आपको बाइक आके फिर से सेकंड बिट को पिन करके दूसरा वाले फोटो पे क्लिक करके इसको भी कॉपी इफेक्ट करके बाइक आ जाना होगा। अपने जो सॉन्ग बिट मैप प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करने के बाद नेक्स्ट बिट पे आना है 0 सेकंड 21 पे आना, स्क्रॉल डाउन करना है, फोटो पे क्लिक करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से आगे आ जाना होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। 13 सेकंड 19 पे आने के बाद फोटो पे क्लिक करके पेस्ट कर लेना होगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको बाइक करना है, अपने फिर से सेकंड बिट को ओपन करके यहाँ से आपको तीसरा वाला फोटो पे क्लिक कर देना होगा एंड आपको इसको भी कॉपी फिट करके बाइक आके अपने सॉन्ग बिट मैप प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना होगा। एंड दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना होगा 2 सेकंड 17 पे आने के बाद यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक करके फिट पे जाके पेस्ट करना है एंड आपको यहाँ पे दूसरा फोटो पे क्लिक करके फिट पे जाके इसमें भी पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको इस फोटो को पेस्ट करना होगा डबल बिट पे, ठीक है। आपको यहाँ पे डबल बिट मिल जाएगा 8 सेकंड 17 तक, ठीक है। तो यहाँ तक इस फोटो को पेस्ट कर लीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आपको बैक करना है एंड अपने फिर से सेकंड बिट को ओपन करके यहाँ से आपको चौथे फोटो पे क्लिक करके इसको भी कॉपी फिट करना है एंड आपको बैक आके अपने सॉन्ग उतना प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपको 9 सेकंड 1 पे आने के बाद यहाँ पे भैया को जो डबल बिट दिख रहा है फोटो पे क्लिक करके पेस्ट करना है डबल बिट पे एंड आपको यहाँ पे दूसरे फोटो पे क्लिक करके पेस्ट कर लेना होगा एंड आपको इस इफेक्ट को जो आपका चौथा इफेक्ट को आपको 13 सेकंड 5 तक जो है पेस्ट कर लेना होगा, ठीक है। पेस्ट कर लेने के बाद आपको बाइक करना है अपने फिर से ओपन करके 35 फोटो पे क्लिक करके इसको भी कॉपी फिट करना है एंड आपको बाइक आ जाना होगा एंड अपने जो सॉन्ग बिट मैप प्रोजेक्ट है इसको फिर से ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आ जाना होगा स्क्रॉल करके यहाँ पे, ठीक है। 15 सेकंड 14 पे आने के बाद फोटो पे क्लिक करके फिर पे जाके पेस्ट करना है ना, कुछ दूसरे फोटो पे क्लिक करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से आ जाना होगा कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके आप आगे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा डबल बिट, ठीक है। 23 सेकंड 9 तक, ठीक है। इसी बिट को 23 सेकंड 9 तक पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से बाइक करना है एंड अपने सेकंड बिट को ओपन करके लास्ट वाले फोटो पे क्लिक करके कॉपी फिट करके बाइक आ जाना होगा एंड अपने सॉन्ग बिट मैप प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके आगे आ जाना होगा, यहाँ पे आपका डबल बिट है, ठीक है। 23 सेकंड 24 मिनट बाद फोटो पे क्लिक कर देना होगा एंड आपको फिट पे जाके पेस्ट करके यहाँ पे भी आपको पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद इस बिट को यहाँ तक 29 सेकंड 23 तक पेस्ट कर लेना होगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आपका स्टोरेज कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो जाने के बाद अभी स्टोरेज को दोस्तों एक्सपोर्ट करना है एंड अपने गैलरी में जो है सेव करना है। सेव करने के लिए वो सेटिंग के बगल में बॉक्स पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना होगा।